दोस्तों, क्या आप भी एक स्कूटर लेने की सोच रहे हैं और टोटली कंफ्यूज हैं कि कौन सी स्कूटर आपको लेनी चाहिए, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक? क्योंकि इलेक्ट्रिक का जमाना आ चुका है, हर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहता है, लेकिन आप टोटली कंफ्यूज हैं कि कौन सी स्कूटर लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो डोंट वरी, ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आप श्योर हो जाएंगे कि कौन सी स्कूटर आपको लेनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर हम कंपेरिजन करने वाले हैं एक्टिवा और ओला का, क्योंकि भाई जो पेट्रोल स्कूटर में मोस्ट सेलिंग स्कूटर है एक्टिवा और इलेक्ट्रिक स्कूटर में मोस्ट सेलिंग स्कूटर है ओला। सो हम इसलिए इन दोनों का कंपैरिजन करके आइडिया निकालेंगे कि कौन सी स्कूटर लेने में ज़्यादा फायदा है। सो स्टार्ट करते हैं हम एक्टिवा से। एक्टिवा की ऑन रोड प्राइस है लगभग 1 लाख रुपए। सो हम 1 लाख रुपए लिख लेते हैं और पेट्रोल का खर्चा आपका पर डे 100 रुपीज़, क्योंकि हम ये सपोज करके चलते हैं कि आपकी जो पर डे की रनिंग है वो 40 किलोमीटर की है। सो अगर आप 40 किलोमीटर चलाते हैं तो 100 रुपये का पेट्रोल आपका पर डे खर्चा हो जाता है। सो एक साल का पेट्रोल का खर्चा आता है आपका 36,500 रुपये, और फर्स्ट ईयर में जो है वो सर्विस तो बिल्कुल फ्री मिलती है आपको। सो सर्विस फ्री, अब हम ऐड कर लेते हैं। सो टोटल ऐड करने पे आता है 1,36,500 रुपीज़। और यहीं पे हम अगर ओला की बात करते हैं तो ओला का जो ऑन रोड प्राइस है वो लगभग 1,50,000 रुपये है, और ये 2-5 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकता है स्टेट्स के हिसाब से। सो हम यहाँ पे 1,50,000 मान लेते हैं, और ओला को एक बार चार्ज करने पर 25 रुपीज़ मतलब 25 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी लगती है, और एक बार चार्ज होने पर ओला 100 किलोमीटर लगभग चल जाती है। लेकिन हमें तो सिर्फ 40 किलोमीटर ही चलना है ना, क्योंकि वो एक्टिवा भी 40 किलोमीटर ही चला रहे हैं। सो ओला को भी 40 किलोमीटर ही चलाना है ना। सो उस हिसाब से आपकी पर डे की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आता है 10 रुपये। जी हाँ, पर डे का 10 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल। सो हम एक साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर ऐड करते हैं तो आता है 3,650 रुपये, और सर्विस बिल्कुल फ्री। सो हम इसे ऐड कर लेते हैं, 1,50,000 की ओला और 3,650 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका टोटल हो जाता है 1,53,650। सो अब पहले साल में कौन सी स्कूटर लेने में आपका ज़्यादा मुनाफा रहता है? सो पहले साल में एक्टिवा का खर्चा है टोटल 1,36,500 और ओला का खर्चा 1,53,650। तो भाई पहले साल में तो आपका ओला का खर्चा ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है? 17,150 रुपीज़। हम ओला के खर्चे से एक्टिवा के खर्चे को माइनस कर देते हैं तो 17,150 रुपये आता है। ये ओला में ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन ओला की जो बैटरी की वारंटी है वो लगभग 3 साल की तो पूरी तरीके से है। सो 3 साल तक तो ओला में कुछ भी खर्चा नहीं करना है, बैटरी भी ख़राब होती है तो फ्री में बदल जाती है, इसलिए हम ये कैलकुलेशन 3 साल के लिए निकाल लेते हैं। पहले बात करते हैं एक्टिवा की। 1 लाख रुपये एक्टिवा का जो ऑन रोड प्राइस हो गया, पेट्रोल का खर्चा हो गया पर डे 100 रुपये के हिसाब से 3 साल का 1,09,500 रुपये, और सर्विस पहले साल तो बिल्कुल फ्री हो गई थी, लेकिन नेक्स्ट 2 ईयर तो फ्री नहीं होगी, तो हम पर ईयर की 5,000 रुपये सर्विस चार्ज मान लेते हैं, तो उस हिसाब से 2 साल का हो गया आपका 10,000 रुपये। अब इसे हम ऐड कर लेते हैं, 1 लाख रुपये की ऑन रोड प्राइस एक्टिवा की और 1,09,500 रुपये का पेट्रोल और 10,000 रुपये सर्विस। सो ऐड करने पर आ जाता है 2,19,500 रुपये। अब यहीं पर हम ओला की बात कर लेते हैं 3 साल के लिए, तो 1.5 लाख की ओला हो जाती है आपकी, और पर डे 10 रुपये की बिजली के खर्चे के हिसाब से 10,950 रुपये बिजली का खर्चा आता है आपका 3 साल के लिए, और सर्विस ओला में 3 साल तक पूरी तरीके से फ्री सर्विस है, तो सर्विस फ्री है। अब इसे ऐड कर लेते हैं, 1,50,000 रुपये और 10,950 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है 1,60,950। तो भाई नेक्स्ट 3 ईयर में ओला लेने पे आपको प्रॉफिट होता है 58,550 रुपये का। मीन्स इतने रुपये आप सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं 3 साल में अगर आप ओला लेते हैं तो। जी हाँ, और लेकिन अब ओला, ये हमने कैलकुलेशन 3 साल के लिए की है, लेकिन भाई ओला जो है, ओला कंपनी वो बोलती है कि हमारी बैटरी जो है लगभग 5 साल चलती ही चलती है। सो हम इस कैलकुलेशन को 5 साल के लिए करके देखते हैं। अब हमने 3 साल के लिए तो कर लिया है, 58,550 रुपये हमारे सेव हुए हैं। नेक्स्ट 2 ईयर के लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो नेक्स्ट 2 ईयर के लिए पेट्रोल का खर्चा मान लेते हैं 73,000 रुपये, एक्टिवा के लिए पेट्रोल का खर्चा है 2 साल का 73,000 रुपये पर डे 100 रुपये के हिसाब से, और सर्विस का खर्चा है 10,000 रुपये, ऐड कर लेते हैं आ जाता है 83,000। और यहीं पे अगर ओला की बात करते हैं तो ओला का इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 साल के लिए 7,300 रुपये, और वैसे सर्विस इसमें कुछ लगती नहीं है, लेकिन फिर भी हम सर्विस चार्ज मान लेते हैं, क्योंकि पहले 3 साल तो सर्विस बिल्कुल फ्री थी, नेक्स्ट 2 ईयर हम सर्विस फ्री नहीं मानते हैं, तो पर ईयर 1,000 रुपये मान के 2 साल के लिए 2,000 रुपये हो जाता है। इसे ऐड कर लेते हैं तो आ जाता है 9,300 रुपये। सो गाइस, अब देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है नेक्स्ट 2 ईयर में। वो पेट्रोल वाली गाड़ी मतलब मीन्स एक्टिवा का टोटल खर्चा आया है 83,000 रुपये, और ओला का खर्चा है मात्र 9,300 रुपये। सो हम ये 3 ईयर का खर्चा, थ्री ईयर में जो बचत हुई है हमारी ओला लेने पे और नेक्स्ट 2 ईयर में जो बचत हुई उसे ऐड कर लेते हैं, तो 73,700 रुपये 2 ईयर का खर्चा नेक्स्ट, और पहले 3 ईयर का जो मनी सेव हुआ था हमारा वो 58,550 रुपये ऐड कर लेते हैं, तो 1,32,250 रुपये टोटल सेव हुआ है 5 साल में। सो गाइस, अगर आप ओला लेते हैं तो 5 साल में 1,32,250 रुपये बचा सकते हैं अपने पॉकेट में। अब हम
नेक्स्ट 5 ईयर की भी बात कर लेते हैं, ताकि आपको पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन हो जाए कि कौन से स्कूटर लेने में आपका प्रॉफिट है। क्योंकि आप स्कूटर लेंगे तो सिर्फ 2-4-5 साल ही नहीं चलाएंगे, क्योंकि स्कूटर की लाइफ लगभग 15 साल होती है, तो 10 साल तो आप चलाएंगे ही चलाएंगे। तो नेक्स्ट 5 ईयर की हम भी कैलकुलेशन कर लेते हैं अभी। सो नेक्स्ट 5 ईयर की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, एक्टिवा की स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिवा का पेट्रोल का खर्चा 5 साल के लिए पर डे 100 रुपये के हिसाब से 1,82,500 रुपीज़, जी हाँ। और सर्विस 5 साल की पर ईयर 5,000 रुपये खर्चा मान के चलते हैं अगर सर्विस का, तो 5 साल का खर्चा है 25,000, ऐड कर लेते हैं दोनों को, 2,07,500 रुपये खर्चा आया 5 साल का पेट्रोल का, मीन्स पेट्रोल स्कूटर एक्टिवा का। और यहीं पे ओला की बात कर लेते हैं, तो भाई पाँच साल में मान लेते हैं ओला की बैटरी ख़राब हो जाती है, तो हम अभी ओला की बैटरी 80,000 की है, लेकिन भाई कंपटीशन के चलते हुए आने वाले समय में लगभग 70,000 की हो जाएगी। सो हम 70,000 मान लेते हैं, 70,000 की बैटरी हो जाती है आपकी, और 5 साल का 5,000 रुपये सर्विस चार्ज मान लेते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी बिल जी हाँ 18,250 रुपये पर डे 10 रुपये के हिसाब से, क्योंकि भाई हमारी रनिंग तो 40 किलोमीटर ही है ना। सो 18,250 रुपये 5 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऐड कर लेते हैं तीनों को तो आ जाता है 93,250 रुपये। कितना बड़ा डिफरेंस है आप देखिए, एक्टिवा का खर्चा है 2,07,500 रुपये, और यहीं पे ओला का खर्चा है मात्र 93,250 रुपये। अब हम एक्टिवा के टोटल खर्चे से ओला के खर्चे को माइनस अगर कर देते हैं तो आ जाता है 1,14,250 रुपये। नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी आप 1,14,250 रुपये बचा सकते हैं, जी हाँ। और जो स्टार्टिंग के 5 साल में हमने बचाया था वो था 1,32,250 रुपये, अब हम दोनों को ऐड अगर कर देते हैं तो आ जाता है टोटल 2,46,500 रुपये। ये आ जाता है 10 ईयर का सेफ मनी, जी हाँ। अगर आप ओला लेते हैं तो 10 साल ओला चलाने पे आप 2,46,500 रुपये बचा सकते हैं अपने पॉकेट में, जी हाँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओला में बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि म्यूज़िक सिस्टम मिल जाएगा, मैप, नेविगेशन और ब्लूटूथ, वाईफाई कनेक्टिविटी, और बहुत सारे फीचर्स, नए नए अपडेट मिलते हैं देखने को। हाइपर मोड पे 117-120 की टॉप स्पीड है, और ये सब कुछ इंजॉय करने के बाद आप इतना पैसा बचा सकते हैं, जी हाँ। तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना पूरी तरीके से प्रॉफिट रहेगा आपके लिए, आपकी पॉकेट में बहुत सारा पैसा बच जाएगा और मज़े भी करेंगे, क्योंकि वो बात एक्टिवा में या पेट्रोल स्कूटर में नहीं है जो बात इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला में है, जी हाँ। इसमें बहुत सारे नए फीचर्स हैं, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी है, और समय के हिसाब से अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। सो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने में पूरी तरीके से आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, एंड चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम बहुत ही जल्दी किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।